देखिए ज्ञान तो शास्त्रों में भी है ग्रंथों में है किताबों में है सब जगह है आजकल यूट्यूब पे है गूगल पे है सब जगह है ज्ञान तो तुम कहीं से भी पढ़ सुन लो फिर एक जिंदा गुरु की ज़रूरत क्यों क्योंकि जिंदा गुरु वो सच तुमको बोल सकता है वो जानता है कह सकता है कोई ग्रंथ कोई किताब तुमको ये बात नहीं कहेगी कि तुम्हारे भीतर क्या गड़बड़ है एक जीवित गुरु ही तुमको परिचय करा सकता है कि तुमको क्या करने की आवश्यकता है और कैसे तुम अपने उन दुर्गुणों को किस साधन के करने से दूर करो महात्माओं की एक बड़ी अजब तरीका होता है कभी कभी वो सामने से शायद कुछ न कहे लेकिन कभी कभी उनके द्वारा कहे गए कोई वचन या कोई इशारे पर मुश्किल ये है जो मूर्ख है इशारा तो उसको समझ आने ही नहीं वाला है क्यों आता है समझ मूर्ख कोई इशारा समझ नहीं आएगा और मुश्किल ये है कि मूर्ख को फिर कहा भी नहीं जा सकता कि तुम्हारे में यह गलती है क्योंकि वह मूर्ख है ना इसलिए वो समझेगा भी नहीं तो यह बड़ी भारी समस्या है वो फिर वो गजल है ना अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते तो फिर कुछ ना कहना ज्यादा श्रेष्ठकर हो जाता है पर सत्य का जो उद्घाटन है वो तो होना चाहिए तो या तो इतने बुद्धिमान बनो कि तुम अपने मन के गुणावगुण खुद देखो और या फिर तुम इतने नम्र और और समर्पित हो कि गुरु तुम्हें सच कह सके क्योंकि सच तो तोड़ देगा ना तोड़ देगा सच क्योंकि एक इमेज जो हम अपनी बना लेते हैं हम उसको नहीं तोड़ना चाहते आ, हम अच्छे हैं ये सब मानते हैं हम बहुत प्रेमी हैं ये सब मानते ही है हमारे में कोई कमी नहीं है ये भी हमारा मन हमको बड़े अच्छे से समझा लेता है बेटा तेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं लेकिन निष्पक्ष होकर के मन को दृश्य बना करके असंग होकर के अपने मन को जानना बहुत आवश्यक है और खुद न जान पाए तो निश्चित रूप से फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो पूछे कि गुरुदेव आप बता दो और सच बात यह है कि अगर अज्ञान को दूर करने की चाह मन में ईमानदारी से उठ जाए अपने अवगुण को देख के उसको हटाने का मन अगर किसी का बन जाए और ईमानदारी से बन जाए तो फिर उसके लिए उसको हटाना एक ऐसा भी कुछ कठिन काम नहीं रह जाएगा क्योंकि जो बदलना चाहते हैं वो बदलेंगे बदल जाते हैं जो बदलना नहीं चाहते हैं वो कभी नहीं बदलेंगे तो ये ईमानदारी जिसको हम अस्तेय कहते हैं बींग ट्रूथफुल टू वन सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आपकी साधना इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका व्यवहार आपके नेत्र आपकी भाषा आपकी उपस्थिति आपकी उस तपस्या की खुशबू को अपने आसपास आए हुए लोगों तक पहुँचा दे ये इतने सुंदर फूल आश्रम में ये, ये जो खिलते हैं गनेश और मैग्नोलिया देखो, कोई प्रेमी बहुत प्यार से इनको चुनता है अब वो चुनने का जो आनंद है वो जिसने चुने उसी को पता है क्या होता है वो एक एक फूल को चुनना फिर उस एक, -एक फूल को पिरोना अत्याधिक आनंद की ये तो सेवा है इसको मैं सेवा भी कैसे कहूँ ये तो एक्चुअली वो इतना मज़ा ले रहा है तो वो कुछ दिखा के या सुना के वो कुछ कर नहीं रहा है वो तो अपना आनंद ले रहा है बनाने का आनंद और यहाँ तो बहुत बार होता है जो बनाते हैं वो वो मुझे पहना नहीं रहे हैं, जो पहना रहे हैं उन्होंने बनाई नहीं है तो अब कभी कभी तो लगता है जो जो बनाए वही पहनाए जो ना बना है वो ना पहनाए ये नियम बनाना चाहिए पर कभी कभी जो फूल की माला बनाते हैं तो उन्हें लगता हमने तो बनाने का आनंद ले लिया अब कोई पहनाने का ले, -ले तो कोई बात नहीं तो ये उनका बड़प्पन है फिर ये फिर उनका बड़प्पन है मस्त चीज यही है जिसका मन प्रेम और श्रद्धा में छका हुआ होता है वो वो ऐसा ही करना करेगा और उसको ऐसा ही करना ही चाहिए कि हम तो छके हैं ले प्यारे तू भी इसका अवसर ले पर जो लोभी है जो अभिमानी है वो कहेगा हम ही करेंगे जो करेंगे किसी और को वो अवसर नहीं देना चाहेगा पर जो वास्तव में प्रेमी है एक छोटी सी बात सुनाती हूँ भागवत में आती है पूरी तो नहीं लेकिन रसिकों ने श्री कृष्ण के भक्तों ने उसको एक बड़ा सुंदर रूप दिया कथा बड़ी प्यारी बड़ी मीठी एक बार कहते श्री कृष्ण का बहुत सिर में दर्द होगा इतना इतना कि वो पीड़ित हो रहे हैं उनकी पीड़ा देखकर कर रुक्मणी कहती है क्या करें क्या करें कि तुम्हारा सिर दर्द दूर हो जाए तो कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त अपना चरणामृत मुझको दे दे तो उस चरणामृत को पीते ही मेरा सर का दर्द चला जाएगा पर याद रहे मैं कृष्ण हूं मुझे अपने पैर धोकर के कोई जो देगा वो खुद फिर सहस्रों युगों तक नरक की अग्नि में चलेगा कथा कहती है ये खबर वृंदावन की गोपियों तक पहुंची तो गोपियों में तो होड़ लग गई कोई वो कहे मेरा ले लो कोई कहे मैं देती हूँ कोई बोले मैं देती हूँ ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा वो कह रहे सहस्रों युगों तक नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा क्योंकि तुम इतनी हिमाकत करोगे कि श्री कृष्ण को अपना पैर का पानी धोकर के देते हो वो कहते पागल हो तुम हमारे कृष्ण प्यारे का अगर सरदर्द इससे दूर होता है तो हम सहस्रों युग तक नरक की अग्नि में जलने को तैयार रहे पर तो हमारे प्यारे मोहन के सिर का दर्द दूर हो जाना चाहिए वो कष्ट में नहीं रहने चाहिए हमारा प्यारा श्री कृष्ण पीड़ा मुक्त हो और वो अवसर वो सेवा हमको मिल रही है इससे उत्तम और क्या हो सकता है नरक की हमें कोई परवाह नहीं है हमारे हृदय में श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसने हमको शीतल करके रखा हुआ है इसलिए नरकाग्नि हमको पीड़ा नहीं दे सकती चिंता न करो बातें मत करो लो जल्दी से मैं पैर धो के देती हूँ जा जल्दी ले जा और मेरे श्री कृष्ण को दे देना वो पीड़ा मुक्त हो जाए तो गोपियों का प्रेम इसीलिए आदर्श प्रेम हो जाता है अपनी अहमता ममता तो है ही नहीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कैसा आगाधत है एक शिष्य का प्रेम अपने गुरु के प्रति बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे भक्त साक्षात अपने भगवान के पास जाए वो जब जाता है तो कितना प्रेम कितना प्रेम कितना भाव, कितना आनंद कितना सुख कितनी तृप्ति वो जो अनुभूति एक भक्त के हृदय में हो एक शिष्य के अंदर उतना ही प्रेम भाव आओ भाव श्रद्धा प्रेम इतना ही होना चाहिए आ ये जो प्रेम है ये ये उसके मन को इतना तृप्त कर देता है इतना तृप्त कर देता है कि मैं तो रहती कोई नहीं मैं तो मिट जाती है और जब मैं ही मिट गई जैसे भक्त की मैं मिट गई तो पीछे सिर्फ भगवत्ता बची भगवान बचे ऐसे जिस शिष्य का आहम मिट जाता है शिष्य की मैं जब नहीं बचती है तो पीछे फिर वहां सिर्फ गुरु होता है और कोई नहीं होता एक बहुत प्यारे संत ने मुझे ये बात कही थी कहते हैं कि जिस दिन कोई तुमको मिले मिले वो तुमको पर उसको ऐसी प्रतीति हो कि वो मुझे मिल रहा है उस दिन जानना कुछ सही तुम्हारे जीवन में हो गया है तुम्हारी पहचान मुझसे होनी चाहिए शिष्य की पहचान गुरु से होनी चाहिए कि मिले तो वो शिष्य को और छाप और दृश्य और दर्शन उसको गुरु का हो रहा हो मतलब शिष्य एक चलता फिरता गुरु का रिप्रेजेंटेटिव हो जावे क्योंकि उसकी मैं रही नहीं मेरी रही नहीं मन मन रहा ही नहीं रहा तो सिर्फ गुरु ही गुरु रहा है गुरु का ज्ञान गुरु का ध्यान गुरु का रूप गुरु का स्वरूप उन्हें ऐसा ना लगे कि तुम मिल रही हो उन्हें लगे कि मैं मिल रहा हूं इतनी बड़ी बात आप मुझे कह रहे हैं वो एक मैंने फिर शायद उसी समय पर ये पंक्तियाँ लिखी थी कि मैं को इतना मिटा कि तू ही रह जाए मैं रहें नहीं कोई तो वो वो प्रेम की खुशबू वो ज्ञान की खुशबू सरोबार बार तुम्हारे हो जाए भीतर बाहर वाणी में बड़ा सुंदर शब्द आता है आओ सखी हर मेल करे हा मेरे प्रीतम का मैं दे सने हा तो वो कहते चलो सखी मैंने अकेले नहीं जा रहे हम चल रहे हैं अपने प्रीतम प्यारे के पास अपने गुरुदेव के पास ऐ सखी तू भी चल और हम मिल के उसकी सेवा करेंगे हम मिल करके के उसका दर्शन करेंगे हम मिल करके के उसके वचनों को श्रवण करेंगे हम मिल करके के उनके उस मौन में नहाएंगे चल सखी मिल चले आओ सखी हर मेल करे हा मेरे प्रीतम का वह देश स्नेहा सखी तू मुझे मिलने आई है तो क्या मेरे प्रीतम ने मेरे लिए कुछ संदेशा भेजा है कुछ सुनाने आई है मिल अपने मित्र को रही है याद गुरु आ रहे हैं यहां प्रीतम गुरु को कह रहे है। हम तो उस प्रेम रस में छके हैं तुम भी छको मिल बैठ के छकते हैं इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होता क्योंकि गुरु का प्रेम तो समंदर जैसा है जितने मर्जी हृदय उसमें डुबकियां लगा ले वो तो कम तो होने नहीं वाला है और मैं मेरी बचे नहीं मैं मेरी रहे नहीं मैं मेरी घुल जाए मिल जाए तुम चलते फिरते अपने गुरु की छवि अपने जीवन अपने मन में लेकर के तुम चलने लग जाओ तो जो मिले तो वो ऐसा ऐसा ना लगे उसको कि वो तुमको मिल रहा है उसको लगे कि मैं तो गुरु को मिल रहा हूं कैसी छाप होनी चाहिए लेकिन अगर समर्पण नहीं है लेकिन अगर मन अशुद्ध है तो फिर तो ऐसा नहीं होने वाला ना फिर तो उल्टा प्रश्न चिन्ह लगेगा तुम पर कि गुरु तो आनंद में ये इतने जहरीले कैसे कड़वे कैसे क्रोधी कैसे द्वेषी कैसे क्रूर कैसे कैसे गुरु तो निष्पाप होता है शुद्ध होता है दाग रहित होता है इसलिए गुरु की तो महिमा तो कभी कम होने नहीं वाली है प्रश्न यह है कि गुरु की उस चकाचौंध में तुम उस रोशनी का हिस्सा बनोगे या तुम वही अपने अंधेरों को ढोते रहोगे अपने ही अज्ञान के अंधकार की सलीब सिर पे उठाए हुए पिसते रहोगे घुटते रहोगे मरते रहोगे कि गुरु के उस सूर्य जैसी चका में तुम भी नहा जाओ तो गुरु का वचन बुद्धि के लिए नहीं है गुरु का वचन जीवन के लिए सौंदर्य वो प्रेम वो मिठास एक बार एक वेदांती संत ने ये बात कही थी तो वो सभा में बोल रहे थे कहते सर्वम खालविदम ब्रह्म सर्वम खालविदम ब्रह्म बोलते हो और अपने ही गुरु भाई से लड़ते हो झगड़ते हो राग द्वेष करते हो गुरु भाई में तो ब्रह्म दिखा नहीं तुमको दूसरों में क्या दिखेगा जुबान तो जहरीली है तुम्हारी और मैं मेरी करते फिर रहे हो तो सर्व ब्रह्म कैसे हुआ उस सर्व ब्रह्म में तुम्हारे गुरु भाई नहीं थे जिनसे लड़ रहे थे तुम तो मतलब वेदांत श्रवण की वस्तु है या वेदांत अनुभव की और अगर अनुभव की वस्तु है तो मेरे सन्मुख जो भी आया है वो परमात्मा ही है तो तुम्हारा व्यवहार उसके साथ कैसा होना चाहिए पर तुम खुद देह बने रहते हो इसलिए सामने वाले को भी देह समझते हो तुम्हारा अपना अगर मन बुद्धि अशुद्धि और साथ रजस और तमोगुण से भरा हुआ है तो फिर वही बछारें दूसरों पर भी जाती रहेंगी रजोगुण और तमोगुण की क्योंकि जो तुम्हारे पास है तुम वही तो दूसरों को दोगे ना तो भीतर क्या है यहाँ क्या है प्रेम भरा है कि क्रोध भरा है मिठास भरी है कि कड़वाहट भरी है क्या भरा है जो यहां होगा वही दूसरों को दो तो तुम दोगे और जो तुम दूसरों को देते हो वो इस बात का पहचान है कि तुमको खुद ही कुछ नहीं मिला इसलिए तुम दूसरों को क्या दोगे इसलिए खूब कुरेदा करो अपने मन को coop oh you know when you do your uh, packing if you are traveling somewhere so there are some very wise people who make a like a list and then they check i've uh, kept this check 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 and then they are oh very satisfied i've done a good packing now hmm? so similarly you should make a, a list

Not rumor-mongering person, check. I am happy to serve everyone, check. Or am I selfish and a greedy dog who just wants all the accolades and respect for myself and check? Am I sweet, humble, and nice, check? Am I truthful to my meditational and yoga practice, check? so all this list should be checked and every day and every night before sleep check so wherever you have been faltering next day correct those am i a liar check am i deceitful check am i honest person check and don't fool yourself be sincere that's the that's the mandatory thing which is required on this path of spirituality. If you don't have that, well then you are a, a pseudo-spiritualist, fake, liar. And when you lie and when you fake it, then well you are not deceiving anybody, you're just deceiving yourself. So you're a big fool and all these things which i have just pointed out these things require lot of hard work so patiently one should work on this patiently one should work for this um, i just tell you um, a small story a seeker went to a Zen master, and he said, I wish to be your student. Master said, I cannot accept you as a student until you go back and say sorry to the door which you have banged while closing, and my door had not harmed you in any way, and why did you beat up my door? So, you have to go back and say sorry to the door, and you threw your shoes so violently on the floor. So, you have to go back and say sorry to your shoes. This person was a Caucasian white American. Ah, oh, bloated egos. And am I a fool that I go and apologize to a door and to shoes and. Wow but the zen master seemed so stern and serious that non-willingly he went back to the door apologized to the door walked down the stairs and went to his shoes and apologized to his shoes and kept them nicely on his side by the curb walked up the stair Went into the room, did another bow to the Zen master, and, and he said, Master, will you take me as a student? Master said, No. And he got very agitated. He said, But I did what you asked me to do. Master said, Sure, you did, but you never did it from your heart. Your heart is still. Ugly. Clean your heart. The day I see your heart is clean, that day I'll accept you. not before that. So he stayed in that monastery. there was a hostel, he stayed there from day, morning, early hours to late in the evening, he would stay in the monastery and whenever he would go, there were, there would be some monk who would say that today Master has given you the job, to, to broom the courtyard, or to clean the utensils, or to chop the vegetables, or to clean the doorways and the windows, or to do this, or to do that, or to do this. And he would do the whole thing. And evening he would ask, Can I see the master? I said, No, come tomorrow. And this went on, days turned into weeks, and weeks into months, and months into years. He never went back. And after three years, Master called. He went in to his room. Today he went very silently, walking very awarefully, very mindfully. He goes closer to the Master, takes the bow, sits down, kneeling. His head down, eyes down, heart is in total surrender. I never even asked the question, Would you take me as a student? But today the master said, Today I take you as my student. Now you are ready. Three years. Three years. Good, great times, he could stay three years like this with the master. In today's time, they would run away in one hour or maybe one day. Who has this patience? Who has this kind of perseverance to tolerate all this? Why did Master do this? Because he, when he came, he was an angry, egotistical person. That's why he's throwing the shoes, he's banging the doors, he's being rude to. To inanimate and the animate stuff, the one who can be rude to a door and a shoe, how much rude this person would be to human beings. And it took a good three years for him to come to that point where Master said, Okay, now I accept you. Now you are ready. Before this you were not. He cried and cried and bowed and bowed and said, Thank you, Master, for accepting me. So, the point is, your life should represent your thinking, your heart, your mind should be that pure. You become that innocent and pure. Like a child, like a baby. We see a baby, we want to play with the, with the baby, we want to cuddle the baby, we want to embrace the baby, we want to talk to the baby, because babies are cute and sweet and lovable. So you have to be that innocent that you become lovable, that master wishes to be with you. And master doesn't just kicks you out and away away. So this is an eligibility which one has to earn. It won't come to you on its own naturally. We have to work on it. We have to work on it we have to be aware about all the fallacies of the mind and step by step by step we need to work on to that to be innocent to be pure like a child to be so beautiful that master chooses you to shower all the blessings and love. No small joke. One time, some somebody saw me patting Pluto's head, and she said to me, "Oh, I so hope that you should." Pat my head too. I said, for that you'll have to become a dog. The dog is not asking me or demanding. He's just being his. That, the, what he is you know? lovable, cuddleable, sweet, innocent. He is too educated. <laughs> सो <laughs> so, प्यारे बनो शुद्ध मन के बनो शुद्ध और पवित्र मन के बनोगे तो गुरु का दुलार और प्यार सब कुछ मिलेगा चलाकियां चुस्तियां घमंड कूड़ता बुराइयां ये तो वो गंदगी है कि जिसको देख के आदमी दूर जाना चाहेगा पास थोड़ी जाना चाहता है कोई फूल के हम पास जाते हैं गंदगी से हम सब दूर जाते हैं तो जब मन में रजोगुण ज्यादा है तो गंदगी है और मन में सत्व गुण है तो तुम फूल जैसे। तो फूल बनो हटाओ कांटे निकालो सब और अगर नहीं बदलते तो फिर जानिए कि आपने आपका भविष्य खुद लिख दिया है खुद निर्धारित कर दिया है कि तुम ऐसे ही भटके हुए अधूरे तड़पते हुए दुखी और अज्ञानी रहना चाहते हो तुमने अपने लेख खुद लिख लिए हैं फिर याद रहे मन की गंदी आदतों को हटाना इतना भी सरल नहीं है इसलिए बहुत ईमानदारी से इसके ऊपर काम करना चाहिए बहुत बहुत ईमानदारी से सुंदरता से बड़ा सुंदर शब्द आता है मैं भी मैं गाऊंगी इसको रिकॉर्ड करेंगे ए मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी इस मन को इतना सुंदर बनाओ कि परमेश्वर के रंग का मजीठ मतलब गहरा रंग इस मन को लग जाए ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंग री। उस नाम के ईश्वर के नाम के उस पक्के रंग से हम अपने मन को रंग लें पर उसके लिए मन सुंदर बनाओ जैसे गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता रंग काट से रंग निकालना पड़ता है धोना पड़ता है साफ करना पड़ता है दाग मुक्त करना पड़ता है फिर उसको रंगरेज रंग देता है गंदे कपड़े में रंग नहीं चढ़ते तो गंदे मन पे ईश्वर प्रेम का रंग कैसे चढ़ेगा इसलिए मन को सुंदर बनाओ मन को सुंदर ये सुंदर मन ही भक्त होगा ये सुंदर मन ही ज्ञानी होगा ये सुंदर मन ही गुरु प्रेम रस को चखेगा ये सुंदर मन ही जीवन के आनंद की अनुभूति करेगा जो मन सुंदर नहीं है तो इन सब अच्छी अच्छी चीज़ों से तुम अपने आप को खुद वंचित कर देते हो तुमने बंद कर दिए द्वार सब नहीं मिलता फिर